It's love. मैं एकलव्य, ये मेरी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है मेरे जन्म से। परंतु मेरी जन्म कुंडली से जब इस सत्य का पता चला कि मेरी मृत्यु मेरे अपने ही कुलवंशी के हाथों होगी, मेरी माता श्री ने मुझे यदुवंश से दूर करने का निर्णय लिया। किंतु यदुवंश के विनाश की सौगंध खाने वाले मगध नरेश जरासंध के हाथों मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए मेरी माता श्री ने अपने प्राण गंवा दिए और मैं एक माता की गोद से बिछड़कर जंगल का बेटा बन गया। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा, एकलव्य। मगर जरासंध मुझे अब भी ढूंढ रहा था। रक्त वृक्ष महाबली, वो यदु ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, रक्त वृक्ष उसे ढूंढ निकालेगा। अब वो आपसे दूर नहीं महाबली। जहाँ एक तरफ जरासंध बना रहा था षड्यंत्र, वहीं मैं था आने वाले खतरे से अनभिज्ञ। एकलव्य, उस गिरते हुए पत्ते पर निशाना लगा कर दिखाओ। ने मुझ पर किया घमासान आक्रमण, परंतु मैंने नहीं मानी हार। पानी से मैं उनसे मुक्ति पा सकता हूँ। जल में लिया मैंने आश्रय, परंतु पत्तियों ने किया अपना अगला वार। पानी से डरते हैं तो आपसे भी डरते ही होंगे। कहते हैं ये रोता रहता है। ये जो चमक रहा है ये इसके आंसू हैं। हाँ, आंसू जो गोंद बन जाते हैं। अच्छा, तो पत्ते से डरते हैं। क्या कर रहे हो अकेले? बेटा नाओ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्या कर रहे हो अकेले? अब इससे हमें कोई खतरा नहीं। रक्त वृक्ष के आतंक से छुटकारा मिलते ही हमारे वन में आई एक नई विपदा। क्या हुआ? वो देखो,